हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले शब्द रूप के, ठीक है। मात्र दो ट्रिक से आप सभी विभक्ति और वचन को याद कर लेंगे। आज से आपको बहुत ज़्यादा विभक्ति और वचन याद करने में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आज के बाद ऐसा मैं दो ट्रिक केवल दो ट्रिक बताऊँगा कि आप सभी शब्द रूप के विभक्ति और वचन प्लग झपका कर बता सकते हो, ठीक है। केवल दो चीज़ें आपको बताना है। तो यहाँ से देखो, जो मेरा ट्रिक है वो है सुसुम भी, ठीक है। ये किसी भी विभक्ति के अंत में आया हुआ शब्द है, ठीक है। जैसे कि बालकेशु, ठीक है, तो उसके अंत में क्या आया, सु आया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि किसी भी विभक्ति के अंत में आए हुए शब्द से आप उसकी विभक्ति और वचन को बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे सु सु म भी, और ये जो संख्या है ये क्या दिखा रहा है कि विभक्ति कौन सी है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति है कि छठवीं विभक्ति है कि तृतीया विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सु सु का मतलब ये स है, स मतलब सात, स से सात, स ये भी है, स का मतलब सात, और म आए लास्ट में तो वो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, बहुवचन रहेगा। और भी आए लास्ट में तो हो जाएगा आपका तीन मतलब तृतीया विभक्ति बहुवचन, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा ट्रिक है वो है नितस्य ने ते आ, नितस्य ने ते आ। अब देखो यहाँ पे ये भी सात से शुरू हो रहा है, तीन से अंत हो रहा है, ठीक है। और ये भी क्या है, दूसरा भी किससे शुरू हो रहा है, सात से, तो ये भी शुरुआत सात से हुआ है, ठीक है। फिर त है, फिर यहाँ पे स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा स है, तो यहाँ पे आधा स है, तो आधा स के लिए मान लेंगे छः, ठीक है। सात से कम ही रहेगा क्योंकि ये आधा कर दिया गया है, तो ये इसको आधा स को छ मान लेंगे, ठीक है। और नए आए तो चार, ने आए तो चार, ने आए तो चार, और आ आए तो तीन, ठीक है। ये सभी विभक्ति के लास्ट में आए हुए शब्द हैं, ठीक है। विभक्ति के अंत में जो शब्द आएंगे इसी से हम पहचान लेंगे। तो ये हो जाएंगे, इतने शब्द आए तो वो होगा एक वचन। देखते हैं थोड़ा इसकी प्रूफ, ठीक है, ट्रिक की प्रूफ जो है वो देख लेते हैं। देखो जैसे इसमें आया है नामने रूप है नामन का, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामने रूप है नामन का, तो नामने इसके अंत में क्या आया है, ये अंत वाला देखो कि क्या आया, एक ही मात्रा। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे है चार, ठीक है। ए के लिए किसका प्रयोग करेंगे, चार का। तो यहाँ पे हम चार लिख देते हैं। अब देखो चार, चार का मतलब है कि चतुर्थी, ठीक है, यानी कि आपका ये क्या चतुर्थी विभक्ति है। ये ऊपर वाली क्या दिखा रही, विभक्ति दिखा रही, चतुर्थी विभक्ति, और इस किस में है, एक वचन में। तो यहाँ पे देखते दिया है द्वितीय बहुवचन और चतुर्थी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, सप्तमी एक वचन। तो मेरा क्या है, ये ऑप्शन है, ठीक है, चतुर्थी एक वचन, ये हो गया। अब इसके बाद और भी देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो सरिता है, ठीक है। अब पूछेगा आपकी सरिता रूप है सरित का, तो देखो यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था आपका जो ये ट्रिक है नितस्य ने ते आ, ये आ की मात्रा है, ठीक है। ये क्या है, आ की मात्रा है, तो नितस्य ने ते आ, तो ये आ गया, तो ये क्या होगा, आ के ऊपर तीन है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे दे रखा है प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, ठीक है। तो हमने इसको क्या, यहाँ पे आ की मात्रा है, ठीक है, आ के लिए क्या लिखते हैं, आ के ऊपर तीन है, ये तृतीया विभक्ति और क्या हो जाएगी, एक वचन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन और तृतीया एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये जो तीसरा है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है, तृतीया विभक्ति और एक वचन। इसके अंतर्गत देखिए आत्मना भी आ सकता है, राज्ञा भी आ सकता है, नामना आ जाएगा, जगता आ जाएगा, ये सब कित क्या होंगे, तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आत्म भी रूप है आत्मन का, ठीक है, आत्म भी रूप है आत्मन का। अब यहाँ पे भी आया है, ठीक है, भी, ये भी आ गया, भी लिखकर दो बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर तीन है, यानी कि तृतीया विभक्ति बहुवचन। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है तृतीया, ये भी का मतलब क्या, ऊपर क्या है, तीन है, ठीक है, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। देखते हैं द्वितीया विभक्ति एक वचन, सप्तमी एक वचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, तृतीया विभक्ति, ठीक है, भी आया और बहुवचन, यहाँ पे देखते यहाँ पे है, ठीक है, तृतीया बहुवचन। इसके अंतर्गत कुछ और भी है जिसे हम यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ करके देखेंगे। अब यहाँ पे सर्वसम्मय रूप है सर्व शब्द का, ठीक है, ऐ की मात्रा आ गया। अब देखो ऐ यानी नितस्य ने ते आ, ठीक है,
तो ए आया है यहाँ पे, तो ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, फोर लिखा है यानी चार लिखा हुआ है। तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो आप देखते हैं सप्तमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी द्विवचन। तो ये क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जगताम शब्द रूप है जगत शब्द के, ठीक है। जगताम लास्ट में क्या आया है, विभक्ति के लास्ट में म आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सुसुम अभी पढ़े हैं, यहाँ पे सुसुम अभी, तो ये म के लिए हम क्या लिख रहे हैं, छे, ठीक है, खष्टी बहुवचन। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा छः, ठीक है, इसके ऊपर क्या है छः, तो ये हो जाएगा खष्टी बहुवचन। तो यहाँ पे देखते हैं चतुर्थी एक वचन, खष्टी बहुवचन, तो ये खष्टी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, वचन बहुवचन। अब इसके बाद है आत्मनि, ठीक है, इसके अंतर्गत आप आत्मनाम, राज्ञाम, सरिताम, नामनाम इत्यादि को जान सकते हो, यही चीज सेम है। इसके बाद है आत्मनि शब्द रूप है आत्मन शब्द के, तो हमने नितत्सय ये पढ़े हैं, नितत्सय ए नेते आ, तो नी की मात्रा, ठीक है, तो नी पे क्या है सात है, ये देखो आत्मनि, ठीक है, यहाँ पे क्या है ऊपर इसके सात है, ये नी वाले पे इधर की जो मात्रा होगी, ठीक है, सात, तो मतलब कि ये सप्तमी विभक्ति हो गई और वचन कौन सी होगी, इसमें देखिए वचन एक वचन होगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सप्तमी एक वचन। तो यहाँ देखते खष्टी बहुवचन सप्तमी एक वचन, यहाँ पे ये विभक्ति सप्तमी और वचन एक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सर्वशेष शब्द रूप है सर्व शब्द का, ठीक है, सर्वशय यानी आधा सौ और ये आया है, तो देखो यहाँ पे आधा सौ और यह आया, तो ये क्या है, इसके ऊपर छ है और एक वचन है, यानी कि खष्टी विभक्ति एक वचन, तो ये क्या हो जाएगा स य के लिए खष्टी, और इसके बाद यहाँ पे देख लो आप एक वचन है, ठीक है, ये हो जाएगा खष्टी एक वचन। तो हम देखते हैं सप्तमी एक वचन, पंचमी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, खष्टी एक वचन, तो ये खष्टी विभक्ति एक वचन, ये आपका करेक्ट है। इसके अंतर्गत आप यस्य और अस्य का भी याद कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।